Dear student, I am your SS teacher. Now we are going to discuss second chapter of fourth class. The name of the chapter is about India. In this chapter, we are going to discuss about the India. आप इस चैप्टर में लर्न करोगे लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की लोकेशन क्या है उसके बारे में, इंडिया के जो नेबर कंट्री हैं उसके बारे में, जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं उसके बारे में, और पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. तो आप इस इन चैप्टर्स को इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हो. तो ये टॉपिक्स हैं जो लोकेशन ऑफ इंडिया है, इंडिया एंड नेबर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, पॉलिटिकल डिविजन ऑफ इंडिया है. इन टॉपिक्स को आप अच्छे से इस चैप्टर में क्लियर करोगे. नाउ स्टार्ट. तो इंडिया क्या है? इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. वास्ट मीन होता है बिग, ठीक है. तो इंडिया क्या है? एक बड़ा कंट्री है, वास्ट कंट्री है. और इसकी लोकेशन क्या है? लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. एशिया के जो सदर्न पार्ट है उसमें ये लोकेटेड है. तो इंडिया क्या है कि इसको मैं आप मैप के थ्रू आपको शो करना चाहता हूँ. मैं देखो, तो ये है हमारा एशिया, ठीक है. तो सॉरी ये ज़्यादा हो गया, एशिया, ठीक है. तो ये हमारा एशिया है. तो इसका जो अपर जो है वो नॉर्थ है, और जो लोअर है या नीचे की ओर है वो साउथ है, ठीक है. तो इंडिया क्या है कि ऊपर का तो नॉर्थ है, तो नीचे क्या है? सदर्न साइड है. तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो ऊपर है नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है. ऐसे ही एशिया का जो नीचे की ओर है हमारा इंडिया है, जो यहाँ सदर्न की ओर है. तो इस प्रकार जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके सदर्न पार्ट में इंडिया लोकेटेड है. उसके बाद क्या है कि हमारा इंडिया क्या है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, संसार में सातवां बड़ा देश है, और सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. तो हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दूसरा बड़ा देश है. इंडिया में क्या है कि पीपल इन इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, ट्राइब्स, रेस. मीन इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन के, धर्म के ट्राइब जनजातियाँ हैं और रेस जातियाँ हैं. तो इस प्रकार हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर के, जो अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियों के, जनजातियों के लोग हमारे यहाँ रहते हैं. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वियर डिफरेंट ड्रेस एंड ईट डिफरेंट फूड. तो हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग ड्रेस पहनते हैं और अलग अलग खाना खाते हैं. मीन इंडिया क्या है, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. और इसके ऊपर एक जैसे बुक, नेहरू जी ने बुक लिखी थी, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मीन इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, मीन विविधताएं हैं बहुत ज़्यादा हैं, और इसी में यूनिटी है, एकता है. मीन यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग टाइप का रहन सहन है, लेकिन फिर भी लोग का क्या है, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं. और इट इज़ अ वेरी प्राउडफुल, हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है. जैसे हमने अब डिस्कस किया लोगों के बारे में, यहाँ लोगों के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी है. और यहाँ पर क्या है कि डाइवर्स लैंड फॉर्म्स एंड कल्चर. मीन यहाँ पे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो भी अलग अलग हैं, जो भूभाग हैं वो भी अलग अलग हैं, भूखंड अलग अलग हैं. यहाँ पे क्या है कि वास्ट प्लेन्स, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेन्स हैं, मीन मैदान हैं, ब्यूटीफुल हिल्स, सुंदर जो पहाड़ियाँ हैं, वैलीज हैं, घाटियाँ हैं, और टॉलेस्ट माउंटेंस इन द वर्ल्ड, और ऊंची ऊंची माउंटेंस हैं संसार की यहाँ पे. और यहाँ के प्लेन्स कैसे हैं, फर्टाइल प्लेन्स हैं, मीन उपजाऊ, यहाँ पे फसल बहुत अच्छी होती है. रग्ड प्लेट्यूज एंड थिक फॉरेस्ट, हॉट डेजर्ट, आइलैंड्स एंड लॉन्ग सैंडी बीच. मीन यहाँ पे क्या है कि यहाँ बड़े बड़े पठार हैं, घने सघन जंगल हैं, यहाँ पे हॉट या बहुत ज़्यादा गर्म मरुस्थल है, डेजर्ट है, और आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, आइलैंड्स हैं. और यहाँ पे जो बीच हैं बहुत लंबे लंबे बीच हैं, बीच पे क्या होता है, सैंड होती है, मीन रेत ज़्यादा होता है. और यहाँ पे एक सेकंड फीचर क्या है कि यहाँ पे
नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू द कंट्री। यहाँ पे बहुत संख्या में बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं जो संसार में हमारे देश में फ्लो करती हैं, बहती हैं। मीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, विविधता मिलेगी। तो इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है देश दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। और जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के में इंडिया 2nd नंबर का कंट्री आफ्टर चाइना, चाइना के बाद। और एक एक नेक्स्ट क्या है कि पीपल स्पीक अबाउट 23 डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ 23 प्रकार की जो लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, वो बोलते हैं। और दे आर बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर्स रिलीजन्स, तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग क्रीड के लोग रहते हैं। और यहाँ पे कल्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, संप्रदाय बहुत ज़्यादा हैं। और इंस्पायर्ड द ऑफ वेरियस डिफरेंस ऑफ ऑल इंडिया यूनिटी एंड दे लिव टूगेदर इन इंडिया। तो मैंने स्टार्टिंग में भी ये कहा था कि इंडिया में यूनिटी है, मीन यहाँ पे वेरियस डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा विविधता है, लेकिन फिर भी इंडिया में यूनिटी है। मीन ऑल इंडियंस, सभी भारतीय क्या हैं, एक हैं, यूनाइटेड हैं, ठीक है, यूनाइटेड हैं। और सभी क्या हैं, लिव टूगेदर, और एक साथ रहते हैं। और ऑल इंडियंस, सभी इंडियंस कहते हैं कि वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। दे फील प्राउड, सभी प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लोकेशन ऑफ इंडिया की, इंडिया की लोकेशन क्या है। तो इंडिया किस कंटिनेंट में है, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, एशिया कंटिनेंट में है। और किस डायरेक्शन में, सदर्न मीन साउथ है, जो दक्षिण पार्ट है, दक्षिण पार्ट में ये लोकेटेड है। और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, सातवां बड़ा देश है। और इंडिया एक्सटेंडेड 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मीन इंडिया की जो डायरेक्शन है, सॉरी लेंथ है, इस ऐसी, तो ये क्या है कि 3214 किलोमीटर है। और जो नेक्स्ट आता है कि ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट की कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, 2333 ईस्ट टू वेस्ट है। तो इस प्रकार इंडिया क्या है कि एक बहुत बिग कंट्री है। तो साउथ टू नॉर्थ टू साउथ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, और ईस्ट टू वेस्ट के कंपैरिजन में। और इसका जो नदन पार्ट है, सराउंडेड बाय द लैंड स्नो कैप्ड नदन माउंटेंस, मीन इंडिया का जो नदन पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे हिमालय है, क्या है, हिमालय माउंटेन है। और ये किससे कैप्ड होता है, मीन बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा है, स्नो कैप्ड नदन माउंटेन्स, दैट इज हिमालय, इसे क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। और जो नदन प्लेन्स हैं, बांटिड द नदन प्लेन्स आर वाटर्ड एंड मोर फर्टाइल, मीन जो रिवर्स ऊपर से फ्लो करके आती हैं, वो इंडिया का जो नदन प्लेन है, जो प्लेन्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी देती हैं। और यहाँ की जो सोयल है, बहुत ही फर्टाइल है, उपजाऊ है। टू वेस्ट देयर इज अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, यहाँ पे थार डेजर्ट है। और इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, और बहुत ही हॉट है और ड्राई शुष्क क्लाइमेट यहाँ का है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इज पेनिनसुला, वो क्या है कि एक पेनिनसुला है। और द इंडिया इज सराउंडेड द वॉटर थ्री साइड्स, पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला वो होता है जो थ्री साइड से वॉटर से कवर्ड होता है, जिसके थ्री साइड में कवर्ड वॉटर होता है। इंडिया हैज इंडियन ओशियन ऑन साउथ, साउथ में इंडिया के इंडियन ओशियन है। और द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। विद द हेल्प ऑफ मैप यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली, जो हमने अब तक पढ़ा है उसको अच्छे से द्वारा मैप के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। देखो अच्छे, तो ये वाला पार्ट है,
ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये है डेजर्ट। ये क्या है? डेजर्ट मीन बेस्ट में, इंडिया के बेस्ट में डेजर्ट है। ठीक है, कौन सा डेजर्ट है? इसका नेम है थार डेजर्ट। क्या है? थार डेजर्ट। 70% डेजर्ट इंडिया के अंदर है। और ये वाला, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ईस्टर्न साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और वेस्टर्न साइड में क्या है? अरेबियन सी है। ये क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है नीचे की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन है? मैंने ये भी पहले बताया था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मीन साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन है। क्या है? इंडियन ओशियन। और ये क्या है? पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है? कि इस साइड भी वाटर है, इस साइड भी वाटर है, और इस साइड भी वाटर है। बीच एरिया कवर्ड ऑन थ्री साइड्स विद वाटर, मीन वो एरिया जो थ्री साइड से वाटर से कवर्ड होता है। इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड, मीन जो इंडिया का सराउंडेड है वाटर से कवर्ड है थ्री साइड से, मीन थ्री साइड में वाटर है। तो इस प्रकार क्या है कि ये पेनिनसुला है, तो साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में और साउथ में, और ये क्या है? पेनिनसुला है। तो इस प्रकार मैप की हेल्प से आपने समझ लिया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।